नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं परवीन पठान, आपके सामने क्राइम 7 न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। सूरत के गोपीपुरा इलाके में हुसैनी चौक में गुलाम अशरफी मंडल द्वारा जश्न मखदूम अशरफ मनाया गया। पिछले कई सालों से गुलाम अशरफी मंडल द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए स्वादिष्ट लंगर तथा न्यास का भी आयोजन किया गया और लंगर के बाद शानदार कव्वाली भी रखी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर मुस्लिम समाज के सूफी संत श्री सैयद महमूद अशरफ शामिल हुए और शहर के अलग अलग इलाकों से हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में मुस्लिम बिरादरों की हाजिरी गोपीपुरा में स्थित हजरत ख्वाजा दाना की दरगाह से एक विशाल जुलूस भी निकाला गया और इस तरह जश्न मखदूम अशरफ का उत्सव मनाया गया। मौलाना मोहम्मद अफलाक आलम अशरफी मुदर्रिस दारुल उलूम हजरत ख्वाजा दाना से क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज यहाँ गुलामान अशरफिया मंडल की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है, इसमें नातखानी जुलूस हमारे साहिब सज्जादा जो कछोछा शरीफ दरगाह के साहिब सज्जादा हैं हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से वो यहां तशरीफ़ लाए हैं। एक जुलूस निकाला गया दारुल उलूम हजरत ख्वाजा दाना और ख्वाजा दाना दरगाह से लेकर के मोमनावार तक और इसमें खसूसियत के साथ दुआओं का अहतमाम किया गया। आज आलम इस्लाम में जो मुसलमान परेशान हैं तरह तरह से उन पर जुल्म सितम हो रहा है, सीरिया में श्रीलंका में हिंदुस्तान में इनके ताल्लुक से खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया है। दूर दराज से लोग यहाँ हाजिर आए, बॉम्बे से लेकर भरूच तक अहमदाबाद तक के लोग यहाँ जमा हैं, इन दुआओं में शिरकत किए हैं। लंगर का इंतज़ाम गुलामान अशरफिया मंडल की तरफ से किया गया और लोगों को खाना खिलाया गया, दुआओं का अहतमाम किया गया और अभी नाते पाक की मजलिस होगी, तकरीर होगी, उसके बाद थोड़ी देर महफिल इस्तेमा का प्रोग्राम रखा गया है। जी आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान मिठाई वाला। जी यहाँ पर किस चीज़ का प्रोग्राम रखा गया? जी आज यहाँ पर तारीख 12 मार्च 2018 बरोज पीर गुलामान अशरफिया मंडल गोपीपुरा मोमनावार हुसैनी चौक सूरत इस मंडल के मातहत जश्न हजरत सैयद मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हुजूर काहिले मिल्लत की सदारत में सुबह 11 बजे खतना ख्वाजा रखा गया। खतना ख्वाजा के बाद दोपहर को 3:30 बजे जुलूस अशरफिया हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से गोपीपुरा मोमनावार हुसैनी चौक तक लाया गया और जुलूस के अख्तिताम के बाद परचम कुशाई हुई। परचम कुशाई करने के बाद तराना अशरफी पढ़ा गया, सलात व सलाम पढ़ा गया। इसके बाद असर की नमाज के बाद यहाँ हुसैनी चौक के अंदर शिजरा खानी और कुल शरीफ की दुआ हुई, जिसमें बिलखसूस आलम इस्लाम में जो मुसलमान परेशान हाल है, जिनके ऊपर जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं, उन मुसलमानों की भलाई के लिए दुआएं मांगी गई। इस प्रोग्राम में बम्बई से लेकर बड़ौदा, अहमदाबाद, भरूच, अंकलेश्वर और आसपास के कई छोटे बड़े इलाकों से लोग शामिल हुए और अभी रात में ईशा की नमाज के बाद नात खानी की महफिल होगी, उसके बाद महफिल समा का इंतज़ाम किया गया है और यह मुसलसल 3रा साल है और ये प्रोग्राम बिल्कुल उसी तर्ज पर मनाया जाता है जैसे कि उर्स मखदूमी इछौजा मुकद्दसा की सरजमी पर मनाया जाता है। बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर यहाँ के नौजवान, यहाँ के रजाकार हजरात ने इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है और माशाल्लाह गुलामान अशरफिया मंडल के तमाम नौजवान इस चीज़ के लिए काबिल मुबारकबाद है। तमाम मोहल्ले के नौजवान इस चीज़ के लिए, इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया और लोगों को कम से कम आज 10 से 10,000 लोगों का लंगर का इंतज़ाम
और बड़ी ही आसानी के साथ लोग यहाँ से खाना खाकर गए बिना कोई परेशानी के। अल्लाह का फजल है और मखदूम पाक का करम है, नवाजिश है। अल्लाह ताला गुलामान अशरफिया मंडल के नौजवानों को और भी ताकत और कुव्वत बख्शे और भी उनकी उम्र में उनकी धंधे में सेहत में इजाफा करे। रिपोर्ट बाय रफीक शेख, क्राइम 7 न्यूज़, सूरत।